एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस आज ये आ गई है कुसुमा, मुझे बहुत रिलैक्स मिला। कल आपने देखा होगा कि कितना काम किया और मैं थक गई। और कुसुमा क्यों नहीं आई थी तू? और मैं क्या तेरे को परेशान करती हूँ? देखा, मैं परेशान करती हूँ, मैं इसे बिल्कुल परेशान नहीं करती है, खुश रहती। कितने साल हो गए? 8 एक हो गए। 8 साल हो गए इसको मेरे पास, है ना? 8 साल हो गए। और इससे पहले तुम्हारी बिटिया करती थी। हाँ, तो मतलब कितना समय हो गया है मेरे पास में। और अब मैं जो आगे जो वीडियो दिखाऊंगी, जो कोई न्यू आ रहे ना पहले वो सुन लीजिए, जो न्यू आ रहे वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। और मैं जो आगे क्लिप दिखाऊंगी उसमें आज मैंने चना मसाला बनाया है आपको वो दिखाऊंगी। और थोड़ा करके मतलब थोड़ी क्लिप्स ही ऐड करके बनाया वो मैं आपको समझा दूँगी। और बहुत टेस्टी बना, बहुत यमी बना। और गाइज ये मॉर्निंग का टाइम है और ये मैंने चने राजू भिगोए थे, उन्हें उबलने के लिए रखनी, उसमें नमक और हींग डाला है। और गाय चना मसाला में ना पनीर डलता है, तो पनीर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं पनीर बना रही हूँ, ये दूध उबल गया है, समझ लो उबलने वाला है। और अब इसमें डालूँगी मैं विनेगर। तो आप लोग कैसे बनाते हैं पनीर कमेंट करके बताना। अब ये बॉयल होने वाला है, जब बॉयल होगा अभी थोड़ा सा रहेगा शायद, देखो है ना, अधिक ऐसे करके डालेंगे हम। ये डाल दिया है हमने, फिर इसको हम चला देंगे। देखो बॉयल तो हो गया ऐसे, लाइट भी जला देते हैं, अब दिखाई देगा ना, देखिए जरा अभी और थोड़ा सा डालेगा। देखो ये फटने लगा ना, देखिए आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं गाइस पनीर बनता हुआ। देखिए ये बिल्कुल पानी अलग हो जाएगा, यस। और इधर गाइस ये चना मसाला जो मैं चने बनाऊंगी वो बॉयल हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ तो ज़्यादा ना डल जाए। और देखो गाइस बन गया, इसमें पानी अलग हो गया, देखो देखिए, इसको कहते हैं पनीर बनना। ये उसको बस छान देंगे, जिसमें मैं प्याज पीस लेती हूँ, लहसुन काट दिया है। और गाइज आपको दिखाती हूँ रियल और गाइज देखो हो गया है ये रहा बिल्कुल क्लियर, देखना बहुत बारीक बारीक मसाला, मतलब ये प्याज मैंने पीसे नहीं है क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है। और उधर पनीर हो गया, इसको छान लेती हूँ मैं। और देखो गाइस ऐसे पनीर निकल जाता है, देखो और गाइस ये चना मसाला का हम छोंक कर रहे हैं, जीरा डाल दिया है और इसमें फिर हमने हींग भी डाल दिया था और ये चटक रहा है। इसके बाद में जो हमने जो प्याज करी थी चॉपर से, जो मैंने आपको अभी एक वीडियो में दिखाया था और आज भी दिखाया है कैसी चॉपिंग हुई, तो ये मैंने डाल दिया है। और देखो और क्योंकि ज़्यादा यदि हम प्याज को पीसेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और देखो ये मैंने इसमें छोंक डाल दिया है और अब मैं पनीर डालूँगी। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसका भी श्रृंगार हो रहा है गाइज, जैसे दाल का श्रृंगार हुआ था ऐसे इसका श्रृंगार ये। लेकिन ये बहुत यमी यमी लगता है, कभी आप बनाना ज़रूर, बहुत टेस्टी बहुत ज़्यादा। ये हम कभी कोई आता है ना, या फिर कोई फंक्शन होता है जब हम इसे बनाते हैं, और इसलिए हमने आज ये बनाया कि मन कर आया। और ये हमने इसका श्रृंगार कर दिया है धनिये से। और देखिए देखने में आहा सारी भाप हो गई है कैमरे पर भी, टेस्टी टेस्टी यमी यमी। आज ट्यूसडे था तो आज ये क्लीन हुआ है, देखो बिल्कुल क्लीन हो गया ना, इसको कॉलिन से क्लीन किया है टीवी पैनल को। और साथ में देखो ये जो है ये है कोरियन है ये पत्थर, तो ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया है साबुन से। और जो ये करा है ये जो करी है ये डीको पेंट है, तो इसको किया गया है कॉलिन से साफ,
इससे साफ किया गया है, सफाई अभियान चल रहा है। साथ में जो ये वॉल पेपर रखा हुआ है तो इस पर भी पहला गीला पहले तो सूखा कपड़ा लगाया है और देखो बिल्कुल क्लीन हो गया ना, और फिर हल्का सा गीला कपड़ा, फिर सूखा कपड़ा, ऐसे करके लगाया गया, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। गाइस बिटिया का बर्थडे आ रहा है तो मैंने इसके लिए कुछ मंगाया है, हैं वो बता आप देखना उस दिन जो ये पहनेगी। इसके लिए बिटिया के लिए मंगाया है बर्थडे के लिए, इसका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट होगा। देखो कैसे मनाते, गर्मी बहुत हो रही है कि घर मनाएं कि या बाहर मनाएं बर्थडे, देखते हैं कैसे करते हैं। और गाइस अब टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है, 9:15 बज रहे हैं। देखिए जरा सारा दिन ऐसा पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही चला। और गाइस ये बाइक यूज़ कर रही हो, आप लोग ने कहा ना कि बाइक यूज़ करें, भाई देखो आप ही हमारी है ऑडियंस और आपकी वजह से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो आपका कहना नहीं मानेंगे तो और किसका कहना मानेंगे। और गाइस मैंने आपको दिखाया, वाकई बिल्कुल चमक रहा है, कॉलिन से साफ किया था ना। अब देखो गर्मी हो रही है, बेटी का बर्थडे भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सेलिब्रेट करें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी शालू भी गई थी वाटर पार्क में तो कह रही थी कि वैसे तो पानी में और ऊपर से फिर इतनी गर्मी लग रही थी। हम सोचे वाटर पार्क भी अब क्या जाएं ऐसी गर्मी में, और देखो और थकावट हुई, कह रही बीमारी का और डर लगता है पानी में रहने से। अब देखते हैं क्या करते हैं, या फिर घर पर ही बनाते हैं या फिर बाहर जाएंगे डिनर करेंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे। असल में उसके एग्ज़ाम भी आ रहे तो वो मना ही कर रही है कि नहीं मम्मी तुम रहने दो, मुझे पढ़ने दो, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा क्या बर्थडे में थोड़ी ऐसा टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे आप निकाल लेना। और अब बस मुझे आप जैसे 9:15 बज रहे हैं, बस दूध उबल रहा है और मैं अब खाना बनाऊँगी, बस फुलके बनाने हैं। देखो आज सामान काफ़ी रखा हुआ है, देखो ये दूध उबल गया है। और आज आपको भी मैं बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ, इतनी तपन हो रही है। आज मैं जब घूमने के लिए गई थी ना, बहुत ही तपन थी, अनलिमिट तपन थी, बहुत ज़्यादा। और दिखाती हूँ बाहर का भी मैं आपको, बाहर को आ गई हूँ गाइस, और देखो बाहर का, देखिए अच्छा लगता है वैसे बाहर का। कभी आपका मन न लगे तो आप घर के बाहर आ खड़े हो जाओ और देखते रहो बाहर का, ट्रैफिक को देखते रहो, अच्छा लगता है देखना ट्रैफिक हो तो। और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी, आप मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।